रास्ता अवरुद्ध होने पर ग्रामीणों ने रोका भारत निर्माण का कार्य। आक्रोशित ग्रामीण घरसाना बीकानेर रोड को करेंगे जाम। थाना प्रभारी धर्मपाल ने ग्रामीणों को समझाइश कर किया आश्वस्त। शनिवार 10 बजे पुलिस थाना में फिर होगी वार्ता। भारतमाला निर्माण में ठेकेदार द्वारा चक 3 DG 60 DG सहित दर्जन भर ढाणियों चकों जा रहे रास्ते को अवरुद्ध करने पर ग्रामीणों ने भारतमाला का निर्माण रुकवा दिया। जसविंदर सिंह मोहम्मद रफीक ने बताया कि हमने 2 माह पूर्व भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया था। प्रशासन को सूचना मिलने पर पुलिस थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों से वार्ता कर समझाइश कर ग्रामीणों को सुबह पुलिस थाना पुनः वार्ता कर यथोचित हल निकालने का आश्वासन दिया। सरपंच पति अब्दुल करीम ने बताया कि हमारा प्रशासन से कोई विवाद नहीं, हमारा विवाद भारत माला सड़क के ठेकेदार से है। चक 3 GD 60 DG व अन्य ढांडियों को रास्ता जा रहा है। GD पुल के सामने भारत माला सड़क की दीवार निकाल कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। हमेशा दुर्घटना होने की आशंका बन गई है। सरपंच साहब, ये जो पुलिया है 3 GD और 60 GD को जाने वाली रास्ता है, ये इसको रोका गया है भारत निर्माण जो चल रहा है सड़क का, उस संबंध में आप बताइए। सर नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत 2GM सरपंच पति अब्दुल हकीम। ये जो पुलिया है, हमारा प्रशासन के साथ कोई झगड़ा नहीं है। ये जो है भारतमाला के नाम से जो इस जनता को भोली भाली को ठगा जा रहा है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है, ना कि किसी सरकार के को प्रशासन के। इसको ये कहा गया है, ये जो रोड है आप इधर थोड़ा हटाएं, कैमरे को इधर भी लगाएं, ये देखें, ये आगे बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पहले भी हादसे हो चुके हैं 2-4। ये सही करवाने के लिए किया गया है, ना कि कोई किसी को परेशान करने के लिए किया गया है। ठेकेदार को बोल दिया गया है अभी ये जो पुलिया है ये सही करवा दी जाए, तो अन्यथा हमारे और कोई मांग नहीं है। ये मांग जो है जायज़ है, और SDM साहब को पहले अवगत भी करवा चुके हैं, 2GD के सरपंच जो हैं लिखित में भी दे चुके हैं, इसके जो है ये सही किया जाए।